हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ फिर से एक नई कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है नहले पे देहला। तो इस कहानी की शुरुआत होती है तीन भाइयों से जो बेतुकी और झूठी कहानियाँ सुनाने में बहुत ही माहिर रहते हैं। और वो तीनों यात्रा करते करते दिन ढल जाता है, एक घर में रुक जाते हैं तो वहाँ पर एक राजकुमार भी ठहरे हुए थे। उनके आभूषण हीरे मोतियों से जड़े हुए माला और आभूषण देखकर उनको ईर्ष्या होने लगी उन तीनों भाइयों को। तो वो तीनों ने एक शर्त रखी राजकुमार से कि यहाँ पर ठहरने के लिए हम कुछ कहानी सुना देते हैं ताकि कोई बोर ना हो। तो कहानियों की प्रतियोगिता, तो उसमें ये होगा कि जिसने कहानी सुनाई अगर कोई उसकी कहानी पर विश्वास न करे तो उसको उसका दास बनना होगा, मतलब जो सुन रहा है उसको सुनाने वाले का दास बनना होगा अगर वो विश्वास न करे तो। और फिर तीनों राजकुमार को घेर कर बैठ गए और तीनों में से सबसे बड़े भाई ने अपनी कहानी शुरू की कि हम तीनों जब छोटे थे तो हम तीनों पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे, मतलब चोर सिपाही खेल रहे थे। तो मैं जाकर एक लंबे से और बड़े से पेड़ पर चढ़ गया और ये दोनों मुझे ढूंढते रह गए। शाम हो गई, सारे लोग घर पहुंच गए और अब मुझे जब उतरने की सूझी तो अब मैं उतरता कैसे, बहुत अंधेरा हो चुका था। तो मैं पास के गांव में गया और वहां से रस्सी लेकर आया और रस्सी के सहारे नीचे उतर गया। तो राजकुमार ने उनके पहले भाई की कहानी पर विश्वास तो नहीं किया लेकिन कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। तो दूसरा भाई खड़ा हो गया और उसने कहा कि जब ये बड़े पेड़ पर चढ़ गया था और हम इसे ढूंढ रहे थे तो मुझे झाड़ियों में से कुछ आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने वहीं से छलांग लगाई तो वहाँ से एक बहुत बड़ा सा शेर निकला। उसने अपना मुँह खोला ही था कि मैं इतनी तेज़ी से छलांग मारी, मैं सीधा उसके पेट में चला गया और ये सब इतनी जल्दी हो गया कि मैं एकदम से उसके पेट में चला गया और वह मुझे चबा भी नहीं पाया। तो फिर मैंने उसके पेट में ऐसी धमा चौकड़ी मचाई कि उसने मुझे बहुत शक्ति से उगल दिया और मैं 10 कोस दूर जाकर गिरा, वो भी गांव के बीचों बीच। तो राजकुमार ने उस पर भी विश्वास नहीं किया लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया। फिर तीसरा भाई खड़ा हुआ, उसने कहा कि एक दिन मैं ऐसे ही घूम रहा था तो मुझे कुछ एक नदी के किनारे कुछ मछुआरे दुखी बैठे हुए दिखे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है, तो उन मछुआरों ने कहा कि हमें बहुत दिनों से मछली नहीं मिल रही है पकड़ने के लिए। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं जाकर देख कर आता हूँ कि क्या हो रहा है, और वह कूद गया नदी में। और तैरते तैरते उसने देखा कि एक दैत्याकार की साइज़ की मछली, मतलब एक दैत्य जैसी मछली वहाँ पर सारी छोटी छोटी मछलियों को खा जाती थी और बाकी जो बची हुई थी वह समुद्र की गहराई में जाकर छुप चुकी थी। तो उसने एक तुरंत बड़ी सी मछली का रूप लिया और वो दैत्याकार की मछली उसका पीछा करते करते किनारे पर आ गई जहाँ पर सारे मछुआरे नुकीली धार वाली तलवार और भाले लेकर खड़े थे और उससे उसको मार मार कर उसको मार दिया। और मैं खुश होकर अपने असली हुलिये में आ गया। तो फिर उन सब ने मुझे धन्यवाद दिया और बहुत बड़ा पुरस्कार देकर मुझे विदा किया। तो ये कहानी सुनकर भी राजकुमार ने कुछ विश्वास तो नहीं किया लेकिन कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। फिर राजकुमार की बारी आई तो राजकुमार ने कहा कि मैं अपने तीन दास को ढूंढने निकला हूँ और इस यात्रा में जब मैं यहाँ ठहरा हूँ तो मुझे मेरे तीन दास मिल चुके हैं जो हैं तुम तीनों। तो वो तीनों मतलब आश्चर्य से देखने लगे कि अगर हम कुछ बोल देंगे तो भी हम उनके दास बनेंगे और अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो भी उनके दास बनेंगे। तो फिर जो एक निर्णायक उन्होंने बनाए थे, एक बूढ़े आदमी को उन्होंने निर्णायक बनाया था, तो उस निर्णायक ने कहा कि आप तीनों भाई राजकुमार के दास बन चुके हैं। तो फिर राजकुमार ने यह कहकर उनको क्षमा कर दिया कि तुम भविष्य में किसी को भी अपनी बेतुकी और झूठी कहानियां नहीं सुनाओगे। तो फिर उन तीनों ने स्वीकार कर लिया और उसके बाद से किसी ने भी उनकी झूठी और बेतुकी कहानी नहीं सुनी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है।
सो आई होप आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बस आपको एक ही बार करना पड़ेगा। और सुनिए, मैं आपको एक गेम देकर जा रहा हूँ, देखते हैं सबसे पहले 100 लाइक्स कौन करता है। सो बाय।